lady had done this because I... फिर वही बरसात की झड़ी, फिर वही अर्जुन मूवी का साथ, फिर वही मूवी का अर्जुन की बाहों में गिरना, फिर वही अर्जुन का मूवी को संभालना। कुछ नया है तो बस गिरने का बहाना, ये पत्थर जिसकी ठोकर से ऐसे गिरी मूवी के सीधे अर्जुन की बाहों में आकर रुकी। रोमांस का मौका ढूंढ लेते हैं। आपने पिछले 3 एपिसोड में देखा होगा, हर एपिसोड में गिर हुई हरकतें करी, हर कभी बारिश में गिर जाती है, कभी कीचड़ में गिर जाती है। तू मत पकड़, कभी और भी हरकतें कर रही है तो तू मत पकड़, मैं गिर जाऊंगी। बेंजी, हां मैं अर्जुन, सुनिया भूल गई तुम? अब अर्जुन पूर्वी को नहीं पकड़ेगा तो कौन पकड़ेगा? मुझे ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए ना, गिर गिर कर पूर्वी इतनी एक्सपर्ट हो गई है कि अब तो बाकायदा अर्जुन को गिरने की ट्रेनिंग दे रही है, वो भी साउंड इफेक्ट के साथ। अच्छा, अभी किसको गिरना है? अभी मैं गिर रही हूं। ये गिर रही है, एक्शन। चलिए जी, बहुत हुआ आप दोनों का गिरना संभलना। अब जरा सीन की बात हो जाए, जहां फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद प्रेस रिपोर्टर्स ने अर्जुन और पूर्वी को घेर लिया है। मामला तब बिगड़ जाता है जब एक रिपोर्टर अर्जुन और पूर्वी के रिश्ते पर सवाल उठाता है। पूर्वी, आपका इनके साथ क्या रिलेशन? यहाँ पे हम लोग कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो सारे मीडिया को पता ही चला। आई सेड एन आफ्टर पॉसिबल क्वेश्चन। आई सेड शट अप। मीडिया के सामने अर्जुन की इस हरकत से पूर्वी भले ही नाराज हो, लेकिन अर्जुन के पास इसका भी जवाब है। हम मीडिया वीडिया से लड़ झगड़ पड़े, बिकॉज़ उन्होंने इनकी इज्जत पे लांछन उठाई और इनकी इज्जत पे लांछन उठाई और गंदे सवाल किए, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मैंने बोला कि मैं 2-4 नंबर के एकदम गुंडा के बेस में आ गया अर्जुन। अर्जुन ने अपने दिल की बात होठों पर आते आते रोक ली, लेकिन वक्त और हालात को देखते हुए लगता नहीं कि प्यार की ये आग ज्यादा दिन तक कभी रह पाएगी। फिलहाल तो आप इनका गिरना और संभलना एंजॉय कीजिए। सावधान, मुंबई आज तक।